फिर बातचीत के लिए आएंगे रूस और यूक्रेन। युद्ध को लेकर हालात हर पल बदल रहे हैं। बीते 11 दिन से दो देश जंग लड़ रहे हैं। दो दौर की बातचीत कर चुके हैं लेकिन अभी तक किसी भी समाधान पर नहीं पहुंचे। अब सोमवार को रूस और यूक्रेन तीसरे दौर की वार्ता करेंगे। एजेंसी के मुताबिक यूक्रेनी अधिकारी डेविड अरखानिया ने बताया कि सोमवार को तीसरे दौर की वार्ता होगी क्योंकि दोनों पक्ष संघर्ष विराम और नागरिकों के लिए सेफ पैसेज पर बातचीत करेंगे। बता दें कि अरखामिया राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के सर्वेंट ऑफ द पीपल पार्टी के संसदीय गुट के प्रमुख और वार्ता में यूक्रेन के प्रतिनिधिमंडल के सदस्य हैं। रूस ने शनिवार को सीज फायर का ऐलान किया था। इसके तहत कहा गया था कि यूक्रेन के ईस्टर्न पार्ट स्थित डोनेट्स के दो शहरों में सीज फायर किया जाएगा। बता दें कि डोनेट्स को जंग शुरू होने के पहले ही रूस ने एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया था। सीज फायर के बाद भी रूस ने रविवार को मारियुपोल में हमला कर दिया। मारियुपोल वही शहर है जिसमें बीते दिन युद्ध विराम था। इस दौरान रूस की ओर से कहा गया था कि वह इस पर हमला नहीं करेगा, लिहाजा फंसे हुए लोगों को सेफ पैसेज दिया जाएगा।